नमस्कार दोस्तों, अगर फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं जो मैच कवर करने वाले हैं, इंडिया सीनियर बोन्स T20 का 8वां मैच है जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा। RAI बोन्स वैसे KAR बोन्स टीम्स की भी डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस पर्सन पो। दोनों टीमों के एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, यदि कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 15,700 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच अब से कुछ देर बाद 4:30 PM से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड राजकोट के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं की विकेट की, तो ओवरऑल विकेट बैलेंस रहता है यहाँ का। आज भी मॉर्निंग में एक वुमेंस का मैच हुआ था, वो भी हमने कवर किया हुआ था, तो वो मैच में भी दोस्तों विकेट बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे थे लेकिन स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। इस मैच में आपको 130 से 150 के बीच स्कोरिंग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस टीम दोनों टीमों में खास के जो यहाँ पे रेलवे वुमेंस की टीम है RAI की, उनके पास क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है, तो इस मैच में आपको अच्छे खासे विकेट गिरते हुए देख सकते हैं। उनके पास मैक्सिमम ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंडिया के लिए इंडिया टीम से भी खेल चुके हैं, तो इनकी टीम थोड़ा सा मजबूत नजर आ रही है। स्टार्ट करते हैं, इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे शबनेनी मेघना और नैसन नुजरत परवीन। बात करें, दोनों ही इंडिया के लिए खेल चुके हैं। मेघना काफ़ी टाइम पहले खेली थी, राइट हैंड बैट्समैन है। लास्ट दस गेम के अंदर उन्होंने 484 रन का स्कोर किया हुआ है। दोस्तों, ये जो स्टैट्स हैं लास्ट के कुछ मैचेस के हैं, नहीं रिसेंट के हैं, लास्ट के मैंने 8 से 10 मैचेस के सारे प्लेयर्स के लिख दिए हुए हैं। वहीं दोस्तों, मिताली राज ऑलरेडी अच्छे खासे T20 मैचेस खेले हुए हैं, तो इनका T20 के स्टैट्स है। बाकी सारे प्लेयर्स के लिए ऐसे हैं कि जो T20 रिसेंट में नहीं खेले हुए, तो इनके लास्ट के मैचेस के स्टैट्स जिसमें T20 और ODD के मतलब दोनों मिला के शामिल है, तो इसी ध्यान रखिएगा। मेघना की बात करें दोस्तों, ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे एस मेघना। 10 मैच के अंदर 484 रन, काफ़ी अटैकिंग नेचर के प्लेयर है, कुछ टाइम पहले इंडिया के लिए भी खेला करती थी। इंपॉर्टेंट रहेंगी इनके साथ ओपन करने आएंगी नुजहत परवीन। हालांकि दोस्तों, नुजहत परवीन जब इंडिया टीम से खेलती थी तो काफ़ी नीचे खेला करती थी, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर रेलवे के लिए जब भी उन्होंने खेला हुआ है ओपन ही किया हुआ है। और दोस्तों, जो बैटिंग ऑर्डर है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, लगभग आपको 90% यही बैटिंग ऑर्डर फॉलो होता दिखेगा। कहूँगी दोस्तों, रेलवे के लिए ऑलमोस्ट ये हमेशा खेलती हैं ये प्लेयर्स रेलवे के लिए, तो जब भी खेलती हैं नुजहत परवीन ही इस मेघना के साथ ओपन करती हैं और यहाँ पे पूनम राउत वन डाउन खेलती हैं। तो अब नुजहत परवीन आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कीपिंग भी करेंगी और स्ट्रॉन्ग टीम की भी कीपर हैं, प्लस ओपन भी करेंगी। हालांकि बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं करिएगा, 20-25 रन कर सकती हैं। लास्ट 10 गेम के अंदर 216 रन है, तो दोनों ही आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दोनों आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे पूनम राउत, राइट हैंड बैट्समैन है। और दोस्तों, जब इंडिया टीम से ये भी खेल चुकी है, जब खेला करती थी तो वनडे के अंदर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बल्लेबाज मानी जाती थी, क्योंकि एक तरफ से एंकर करती हैं, काफ़ी स्लो खेलती थी और स्ट्राइक रेट भी इनका वही 80 के आसपास रहता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज नहीं है। लेकिन यहाँ पे टॉप ऑर्डर खेलेंगी, वन डाउन खेलेंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। स्पेशली बैट सेकंड हो तो भूल के भी नहीं छोड़ेगा। बैट सेकंड में आप एक बार मिताली राज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जब भी इन्होंने रेलवे के लिए खेला हुआ है, नंबर 4 से ऊपर कभी खेलने नहीं, 4, 5 ऐसे खेलते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों एक सीनियर प्लेयर है और वो डोमेस्टिक खेल के अब करेगी क्या, इतना सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहाँ कहाँ नहीं खेला हुआ, कौन कौन से देश में, हर जगह क्रिकेट खेलने का अनुभव है और इंडियन मूवमेंट्स में मतलब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिताली राज को बहुत लोगों ने कैप्टन किया हुआ है, लेकिन बैट फर्स्ट होगा तो मैं अपनी टीम में एज अ प्लेयर रखूंगा, बैट सेकंड होगा हो सकता है हम इनको ड्रॉप करें। लेकिन पूरा राउट वन डाउन ही खेलेंगे, तो आपके लिए दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 गेम के अंदर 125 रन में किया हुआ है, भले ही स्लो खेलती हैं लेकिन एक तरफ से एंकर करती हैं और कभी अच्छा स्कोर कर सकती हैं। मिताली राज की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कैप्टनसी टीम की करेंगी, बहुत ही ज़्यादा अनुभव है इनके पास। 89 T20 मैच के अंदर 2300 करीब रन है, 37 का बैटिंग ओरिजिन का T20 के अंदर है, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, डोमेस्टिक भी अच्छा कर सकती हैं, लेकिन मे भी हो सकता है डोमेस्टिक में खुद को थोड़ा सा डिमोट भी कर जाएं, क्योंकि जो उनके नए प्लेयर्स हैं उनको मौका दें ताकि वो लोग मतलब इंडिया के फ्यूचर हैं, आगे भी इंडिया के लिए खेलें, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से मिताली राज बैट फर्स्ट हो तो जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन बैट सेकंड में तो आप छोड़ सकते हैं, और बैट फर्स्ट में भी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बॉलिंग तो कराएंगे नहीं, बैटिंग से हो सकता है ना पर मतलब ना ऊपर आए, तो इसलिए ये रिस्की ऑप्शन है कैप्टन के। हाँ, सब लोग करके जा रहे हैं, सिलेक्शन बेस में देखेंगे सब लोग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से GL के अंदर ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। स्नेहा राणा की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड ओपरेक बॉलिंग कराती हैं, लास्ट 10 गेम के अंदर 128 रन है, 13 विकेट इनके पास है, और रिसेंट में इंडिया के लिए इंडिया टीम के लिए वर्ल्ड कप के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगी, नंबर 5 के आसपास बैटिंग करने आ जाती है, इवन कभी कभी मिताली राज से ऊपर भी बैटिंग करने आ जाती है, काफ़ी अटैकिंग नेचर से बैटिंग कर लेती हैं, साथ में आपको 3 से लेकर 4 ओवर बॉलिंग डालती हुई नजर आएंगी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बड़ी ऑप्शन आपके लिए रहने वाली है। DM लता
की बात करें, बॉलिंग थोड़ा सा कम कराती है, भले ही इनके लास्ट के 8 गेम में 13 विकेट है, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर थोड़ा ज़्यादा बॉलिंग कर दी थी, लेकिन जब इनकी टीम के मेन बॉलर खेलते हैं तो 6 बॉलिंग ऑप्शन आप कह सकते हैं हेमलता को, तो थोड़ा सा कम कराती हैं, 2-3 ओवर डाल सकती हैं, हो सकता है 1-2 ओवर ही डाले। लास्ट 8 गेम के अंदर 84 रन है, हिटिंग के लिए टीम में रखा जाता है, हार्ड हिटिंग कर सकती हैं लास्ट में, तो ग्रांड लीग के अंदर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। नीचे देखेंगे दोस्तों स्वागतिका रात, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 10 गेम के अंदर 15 विकेट है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, अच्छी खासी पिक आपके लिए रहने वाली है, थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप देंगी और आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगी। नीचे देखेंगे मेघना सिंह, अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी वुमेंस का, वहाँ पे उन्होंने 10 मैच के अंदर 12 विकेट निकाले थे, अच्छी खासी विकेट टेकिंग बॉलर है और अपने पेस के लिए जानी जाती है, लेंथ सटीक रहता है और रिसेंट फॉर्म मतलब बढ़िया है, और इंडिया की तरफ से खेल के आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर, तो एकदम कॉन्फिडेंस भी आई होगा, तो मेरे हिसाब से मेघना सिंह आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए। रेणुका सिंह की बात करें, डोमेस्टिक के अंदर राइट मीडियम पेस बॉलर है, 10 मैच में 13 विकेट चटकाए हुए, दोनों से इसलिए एक जरूर लीजिएगा। जीएल के अंदर रेणुका को ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में अंदर मेघना को ट्राई कर सकते हो। पूनम यादव की बात करें, लेग स्पिनर है, लेकिन दोस्तों रिसेंट फॉर्म बहुत बुरा है इनका, इसलिए इंडिया टीम से भी नहीं खेल रही थी वर्ल्ड कप के अंदर, आपने देखा होगा पूनम यादव जैसे, जो कि बहुत बेहतरीन विकेट टेकिंग स्पिनर बॉलर है, और वो टीम से बाहर है, इसका रीजन है कि रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेकार है, लास्ट 10 गेम के अंदर सिर्फ 7 विकेट इनके टीम थे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको खेलते हुए नजर आए, धीरे धीरे फॉर्म वापसी करेंगे, फिर हो सकता है इंडिया के लिए भी फिर से खेलते हुए नजर आए, क्योंकि काफ़ी मतलब बेहतरीन स्पिनर है, अच्छा खासा फ्लाइटेड बॉल ज़्यादा डालती है और अपनी गूगली के लिए भी जानी जाती है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल इनका फिर से रहने वाला है, तो ट्राई जरूर करिएगा। कैप्टन के अपना साइज नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। रजेश्वरी गायकवाड़ लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इंडिया की तरफ हाइस्ट विकेट टेक करती हूँ वर्ल्ड कप के अंदर, 10 मैच के अंदर लास्ट 10 गेम के अंदर 19 विकेट हैं, आपकी टीम में होना ही चाहिए, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन के बढ़िया ऑप्शन आएंगे, रिसेंट फॉर्म बहुत ही कमाल का इनका। बेंच में कुछ प्लेयर हैं, सारे प्लेयर के मैंने स्टेट्स लिख दिए हैं जो भी स्क्वाड में थे, आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर में से कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 बनाया था तो मैं इनका स्टेट्स दे भी दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो मैंने प्लेइंग 11 दिया हुआ है लगभग आपको यही दिखने वाला है, और लगभग 90% मैं श्योर हूँ कि यही बैटिंग ऑर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट मैच जो मॉर्निंग में हुआ था हमने कवर किया था इंडिया सीनियर वुमेंस का, उसमें भी जो मैंने बैटिंग ऑर्डर बताया था सेम आपको सेम टू सेम 100% वही फॉलो होता था, कोई भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था। और बैटिंग ऑर्डर कहाँ से पता चलता है इनके दोस्तों, क्योंकि ये जो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहे रेलवे वुमेंस की टीम, तो रेलवे वुमेंस का बैटिंग ऑर्डर रेलवे वुमेंस को ODD के मैचेस वगैरह जो भी पुराने हुए हैं T20 ODD वहाँ से इनका बैटिंग ऑर्डर मिलता है, कौन कहाँ पे खेल रहा है, लास्ट के 5-6 मैच का स्कोर कार्ड देखना होता है, फिर वहाँ से पता चलती हैं सारी चीज़ें, फिर प्रोडिक्ट किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे KAR वुमेंस का, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं मैच का फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम पर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए। दोस्तों इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी दिव्या गणानंदा और यहाँ से वृंदा दिनेश। बात करें दोस्तों दिव्या की, लास्ट 10 गेम के अंदर 334 रन है और यहाँ से राइट हैंड बैट्समैन है। अब दोस्तों इनके जो लास्ट के मैंने 2 मैचेस का देखा था मतलब स्कोर कार्ड पिछले का, उसमें से इन जो 3 प्लेयर थी उनमें से दिव्या दोनों मैच में आई थी ओपन करने, एक में दिनेश आई थी एक में सतीश आई थी, तो इन दोनों में से कोई दो ओपन करते हुए दिखेगा, जो भाजी को ऑनडाउन खेलेगा, ये बात मैं श्योर हूँ ठीक है। तो मतलब दिव्या तो कंफर्म ओपन करेंगे, इनके साथ वृंदा दिनेश भी आ सकती हैं, सुबह सतीश भी आ सकती हैं, और जो बचे को ऑनडाउन खेलेगा, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। तो दिव्या आपके लिए टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, 10 गेम के अंदर 334 रन है, राइट हैंड बैट्समैन है। वहीं दोस्तों दिनेश की बात करें, 8 गेम के अंदर 354 रन, ये भी राइट हैंड बैट्समैन, इनका रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, डोमेस्टिक में ODD के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इन दोनों में एटलीस्ट एक को जरूर अपनी टीम में रख लीजिएगा। सुबह सतीश आपकी टीम में मस्ट हैव पिक है, आपकी टीम में होना ही चाहिए, लास्ट 10 गेम के अंदर 323 रन है प्लस 2 विकेट है। बॉलिंग दोस्तों इन्होंने सिर्फ 2 ही मैच में करा हुआ था 10 में से, तो बॉलिंग हो सकता है ज़्यादा ना कराएं, लेकिन बैटिंग से आपको अच्छा करते हुए देख सकती हैं, तो इन तीनों में से एक या 2 प्लेयर अपनी टीम में जरूर रखिएगा। तीनों को इसलिए सेज नहीं करूँगा, रिकॉर्ड भले ही अच्छे हो, सामने वाली टीम को बॉलिंग भी देखना पड़ता है, सामने वाली टीम को बॉलिंग एकदम खतरनाक है, उनके सब इंडिया के नेशनल टीम के बॉलर हैं, मेघना सिंह हो गई, रजेश्वरी गायकवाड़ हो गए, पूनम रावत हो गई, तो स्नेहा राणा हो गए, तो उन लोगों के लिए बैटिंग करना उतना ईजी नहीं होगा, तो इसलिए इन टॉप 3 ही उनमें से एक या 2 प्लेयर ही अपनी टीम में अपने रखना है। वेदा कृष्णमूर्ति राइट हैंड बैट्समैन, कैप्टनसी करेंगे टीम की, और कुछ टाइम पहले इंडिया के लिए भी खेला करती थी, फिनिशर का लोग रोल अदा करा करती थी, लेकिन जब से अब लोग ये लोग आ गए खास के स्नेहा राणा वगैरह, तब से इन लोगों को वापसी हो नहीं रही। लास्ट 10 गेम के अंदर 123 रन है, डोमेस्टिक में भी कुछ खास फॉर्म इनका नहीं चल रहा है, ठीक ठाक भी करेंगे, लेकिन क्योंकि अनुभवी प्लेयर है कैप्टनसी भी करेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे अपनी टीम में, जब प्लेयर बैटिंग सेक्शन से आप ट्राई कर सकते हो। प्रत्युषा कुमार की बात करें, विकेट कीपिंग सेक्शन से GL के अंदर ट्राई करिएगा, क्योंकि सामने वाली टीम को विकेट कीपर मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, क्योंकि नुजहत परवीन है सामने वाली टीम के कीपर, ओपन भी करेंगे प्लस कीपिंग भी करेंगे, तो उन्हीं के साथ जाएं। स्मॉल लीग में आप इनको मत लीजिए, GL के अंदर एक 8 टीम में सोच सकते हैं। बात करें दोस्तों प्रत्युष चलारू की, राइट हैंड बैट्समैन, लेग स्पिन कराती हैं, 10 गेम के अंदर 180 रन है प्लस 13 विकेट आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, ग्राइंडिंग में आप CBC ट्राई कर सकते हो, लोअर मिडल ऑर्डर के आसपास बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, मतलब 5-6 नंबर पर आ जाती हैं खेलने, साथ में आपको बॉलिंग भी 3-4 ओवर पूरा करके देंगी, तो आपकी टीम में इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा कोहली की बात करें, थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप देंगे, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, अच्छी खासी विकेट टेकिंग बॉलर है, 10 गेम के अंदर 9 विकेट है,
हर मैच में को 3-4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। निकी प्रसाद की बात करें, 7 मैचों 5 विकेट है, सिर्फ ग्रांडली ट्राई करिएगा, थोड़ा बैटिंग साइड उतना ना आए लेकिन बॉलिंग से आपको 2-3 ओवर डालते हुए दिख सकते हैं, तो जेल के अंदर ट्राई कर सकते हैं। मोनिका पटेल लेफ्ट आर्म पेसर है और एकमात्र इस टीम का मतलब पेस बॉलर आप कर सकते हो, एक और है, दो पेसर है इनके पास, तो मोनिका पटेल भी अच्छा खासा ओवर करेंगे, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करेंगे, 10 गेम के अंदर 9 विकेट है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। सन पावर की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 10 मैचों 9 विकेट है, स्मॉल लीग ग्रांड लीग दोनों जगह ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक सिलेक्शन है। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर श्रियंका पाटिल 7 मैच के अंदर 9 विकेट चटकाए हुए हैं, आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, 4 ओवर कन्फर्म डालेंगे, आप इनको भी जरूर लेके जाइएगा। बेंच में दोस्तों कुछ प्लेयर हैं, इनका भी 19 नंबर का स्क्वाड है, तो बेंच में प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 में आएगा तो आप अच्छा स्टेट्स देख लीजिए, या फिर दोनों टीम के बेंच से कोई भी प्लेयर लाइनअप में आता है उनका स्टेट्स टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाएगा। लगभग आपको यही प्लेइंग 11 दिखने वाला है विथ बैटिंग ऑर्डर, आफ्टर टॉस यदि कुछ भी चेंजेस होते हैं दोनों टीम के लाइनअप में, कोई भी नया प्लेयर स्क्वाड से लाइनअप से कुछ भी चेंजेस होते हैं प्लेइंग 11 में, कोई भी नया प्लेयर आएगा उसके स्टेट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे, फाइनल टीम इस मैच का टेलीग्राम मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए क्या टीम है हमारा, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो उसमें नुजहत परवीन के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में आपको इन्हीं को पिक करना चाहिए क्योंकि ओपन करेंगे प्लस कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति और यहाँ से एस मेघना को पिक किया, वो मेघना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बैट फर्स्ट होगा तो मिताली राज के हम साथ जाएंगे, बैट सेकंड होगा तो हम ऐसे पूनम राज को पिक कर लें क्योंकि वो अनडाउन बैटिंग करने आएंगे, और मिताली राज हो सकता है बैट सेकंड में उतना ज़्यादा बैटिंग ना करें क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और डोमेस्टिक में उतना ज़्यादा मतलब होम करना नहीं खेल मतलब उतना खेलते ही नहीं डोमेस्टिक में, और इनके जो पुराने मैंने स्कोर कार्ड देखे हुए हैं अपने आप को हमेशा डिमोट करते हैं, 4 नंबर से ऊपर कभी खेलने ही नहीं आए हैं, 5, 6, 7 नंबर तक हो गया कि इनसे ऊपर इतने राना भी आ जाती थी तब भी खेलने नहीं आती थी, इसलिए इनको कैप्टन करना मेरे हिसाब से उतनी अच्छी पिक नहीं रहने वाली, तो अपनी टीम में हम एज ए प्लेयर रख लें क्योंकि 36% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है तो एज ए प्लेयर रखना पड़ेगा इसलिए रखा हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन से स्नेहा राणा हमारे पास हैं, पी चल्लारू हैं, यहाँ से एस सतीश हैं, बॉलिंग सेक्शन से रजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, मेघना सिंह और यहाँ से एस पाटिल को, श्रियांश पाटिल को अपनी टीम में रखा हुआ है। कैप्टन दोस्तों स्नेहा राणा है जो कि आपको नंबर 5 के आसपास आइडलिन का बैटिंग पोजीशन नंबर 5 रहता है, लेकिन यदि मतलब इनके जल्दी विकेट नहीं गिरते हैं 12-13 ओवर तक तो ये मिताली राज से भी ऊपर यहाँ पे आपको स्नेहा राणा खेलते हुए दिख सकती हैं क्योंकि मैंने लास्ट इनके 3-4 मैचेस के पिछले स्टेट मतलब स्कोर कार्ड चेक किया तो वहाँ पे एक मैच पे ये 2 मैच में मेघना सिंह से ऊपर स्नेहा राणा बैटिंग करने आई थी और बॉलिंग भी 3-4 ओवर कन्फर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से कैप्टनसी के बढ़िया ऑप्शन आपके लिए स्नेहा राणा रहने वाली है। वाइस कैप्टन रजेश्वरी गायकवाड़ किया हुआ है, जिस समय जिस टाइप के फॉर्म में थी अभी वुमेंस के वर्ल्ड कप खेले जा रहे थे वहाँ भी अच्छे खासा विकेट ले रही थी और इंडिया की हाइस्ट विकेट टेकर थी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के बढ़िया ऑप्शन है, अपने कन्फर्म 4 ओवर डालेंगे इसलिए वाइस कैप्टन भी रजेश्वरी गायकवाड़ है। कैप्टन वाइस कैप्टन आप ग्रांड लीग पे जो ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट हैं, जीएल के अंदर आप पूनम यादव के इकट्ठी में ट्राई कर लीजिएगा, हालांकि रिसेंट फॉर्म बहुत बुरा चल रहा है इनका, बहुत पूरे फॉर्म से गुजर रहे हैं इसलिए इंडिया की तरफ से भी नहीं खेलने को मौका मिल रहा, लेकिन बहुत बड़ी बॉलर है, ग्रांड लीग पे आप इनको कर सकते हो, पी चल्लारू कर सकते हो, 3-4 ओवर कन्फर्म डालेंगे प्लस मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे, और ये कुछ दोस्तों जीएल के सीबीसी थे, बाकी मैक्सिमम टीम में आप इन्हीं दोनों को बनाना है। अभी के लिए टीम दोस्तों मेरा स्मॉल लीग का यही है, अभी के लिए मैं इसी टीम से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों फाइनल टीम नहीं है, आफ्टर टॉस इस टीम में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो जो भी हमारा फाइनल टीम होगा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।